तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो के शुरू में जो आपने इंट्रो देखा, आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ऐसा ही इंट्रो बनाना सिखाऊंगा। तो आप इसको 2 मिनट में बना सकते हैं अपने चैनल के लिए ऐसा ज़बरदस्त और सादा सा इंट्रो। तो इसको आपने कैसे बनाना है, सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से जाके काइनमास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद काइनमास्टर को आपने ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपने क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है। इधर आपने 16.9 के ऊपर रख के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपने इस टेम्पलेट को इधर ले आना है इस तरह से। इस टेम्पलेट को मैंने किधर से डाउनलोड किया है और कैसे आपने भी डाउनलोड करना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने गूगल से किया था लेकिन आपको उधर जाके सर्च करना पड़ेगा। आप मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उधर से आपको इसका टेम्पलेट का लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और आपको बताता चलूँ कि ये बिल्कुल नॉन कॉपीराइट है, इसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, कोई स्ट्राइक नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसको ईजिली अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, ये जो आपको लाल रंग का रेड कलर का डंडा नज़र आ रहा है, इसको आपने प्ले हेड को ले आना है ऐसे, और इसकी स्पीड आपने सेट कर देनी है 1.11 पे इस तरह से। ऐसे आपने इसकी स्पीड सेट कर देनी है 1.11 पे, इसकी स्पीड सेट हो गई। अभी आपने अपने चैनल का लोगो इधर ऐड करना है, वो किस तरह करना है, आपने आ जाना है लेयर पे। लेयर पे आने के बाद आपने मीडिया के ऊपर क्लिक करना है, आपके मोबाइल की गैलरी भी ओपन हो जाएगी। जिधर भी आपके चैनल का लोगो पड़ा हुआ आपने उसके ऊपर आ जाना है इस तरह से। आपने अपने चैनल के लोगो को इधर ले आना है ऐसे। ठीक है, इसको आपने ऐसे सेंटर में ला के छोटा कर लेना है ऐसे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सेट कर देना है ऐसे ऐसे। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, नीचे आप इसका साइज़ देख रहे हैं लोगो का, ये कम है, आपने इसको ऐसे खींच के साइज़ को इसके बराबर कर देना है इस तरह से। ठीक है, ऐसे ये साइज़ हमारा इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, अभी आपने लोगो के ऊपर क्लिक करना है। लोगो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है ब्लेंडिंग के ऊपर। ब्लेंडिंग के ऊपर आने के बाद आपने स्क्रीन के ऊपर इसको सेट कर देना है। ठीक है, ये हो गया। अभी आपने दोबारा क्या करना है, आपने लोगो के ऊपर ही क्लिक करके आपने आना है इन एनिमेशन के ऊपर। ठीक है, तो आपने ये जो पहला ही एनिमेशन है इधर, आपने उसी को सिलेक्ट कर लेना है फैट को। ठीक है, इस तरह से स्पीड आपने इसकी नीचे से कुछ भी नहीं करनी, स्पीड आपने इसकी एक पे ही रहने देना है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी आपने दूसरे नंबर पे क्या करना है, अभी आपने अपने चैनल का नाम इधर ऐड करना है। वो आपने कैसे करना है, सबसे पहले आपने इसको डंडे को, वही रेड कलर के डंडे को आपने नीचे से ऐसे घुमा के आपने इसको सेट कर देना है 1.855 पे इस तरह से, 1.855 पे आपने इसको इस तरह से सेट कर देना है। सॉरी, ये थोड़ा आगे हो गया, ऐसे 1.855 पे आपने इसको सेट कर दिया। अभी आपने अपने चैनल का नाम इधर ऐड करना है, उसके लिए आपने लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और इधर आपने अपने चैनल का नाम लिख लेना, जो भी चैनल आपके नाम हुआ आपने उसको ऐसे लिख लेना है। ठीक है, जैसे अभी मैं इधर अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ, टेक्निकल वाजिद सियाल कोटी। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको इधर नीचे ले आना है, थोड़ा सा आपने इसको ऐसे बड़ा कर लेना ऐसे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, नाम लिखने के बाद चैनल का आपने आना है डबल ए के ऊपर। डबल ए के ऊपर आप आएंगे तो इधर से आपने इसका एक फॉन्ट सेलेक्ट करना है। तो आज की वीडियो में मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ उसका नाम है नोटो सिर्फ बोल्ड इटैलिक। ठीक है, तो आपने इसी को यूज़ करना है। कुछ और भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी फॉन्ट को इस टेम्पलेट के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने कलर इसका चेंज करना, तो आप इसका इधर से कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसका कलर वाइट ही रखूँगा। ठीक है, उसके बाद अभी आपने क्या करना है, इसमें इन एनिमेशन देना है। सबसे पहले तो आप इसको नीचे से इसकी भी स्पीड ऐसे बराबर कर लें इस तरह से। अभी आपने इसके ऊपर इन एनिमेशन देना है, इसको ऐसे इसके ऊपर क्लिक करें, नेम के ऊपर उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इन एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने नीचे आना है, नीचे आने के बाद इधर से आपने स्केल डाउन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इस तरह से
ये सेट कर दिया। अभी आपने इसकी स्पीड सेट करनी है 0.6, आपने इसकी स्पीड कर देनी है इस तरह से, ठीक है 0.6 आपने इसकी स्पीड कर देनी है, ये स्पीड इसकी सेट हो गई, ठीक है। अभी मुकम्मल तौर पे हमारा लोगो बन इंट्रो बन चुका है, लेकिन एक सेटिंग इसमें रहती है वो मैं आपको अभी इधर बताता हूँ। ये लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है सेटिंग, तो आपने सेटिंग के ऊपर आना है। सेटिंग के ऊपर आने के बाद आपने वीडियो के ऊपर आना है। वीडियो के ऊपर आने के बाद आपने इधर से फैड आउट को ऑन कर देना है, ठीक है। वीडियो फैड आउट को आपने इधर से इनेबल कर देना है, ऑन कर देना है इस तरह से, ठीक है। और इसकी स्पीड आपने कर देनी है 1, इस तरह से आपने इसकी स्पीड ये देखा 1 हो गई, तो आपने 1 के ऊपर इसकी स्पीड सेट कर देनी है, ठीक है। दोबारा पीछे आते हैं और इसको मैं अभी आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुका है। तो देखा दोस्तों, हमारा ज़बरदस्त सा इंट्रो रेडी हो गया। अभी आपने इसको सेव कैसे करना है, आपने इधर इसके ऊपर क्लिक करना है। इधर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप जिस भी क्वालिटी में इधर से सेव करना चाहें कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर 1080p में करता हूं, ठीक है। तो आप भी अगर इसमें करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है और ये आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। तो मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी और नई नई वीडियोस देखने के लिए, नई नई चीज़ें सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।